क्या है, ओपी मेरा ट्रांसवर्सल है, ए मेरा क्या है 45 डिग्री है, ऐसा बोल रहे हैं। ए मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। और पी भी पैरेलल है क्यू से, पी और क्यू कैसे पैरेलल होंगे, एंड पी इज पैरेलल टू क्यू। हाँ, मतलब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, डेट इज पैरेलल टू दिस। तो ये पीएमबी, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा है एक, ये है ऐसा सीन है, ठीक है। और ये है एक, तो यहाँ पे ये ओ और पी, और ये मेरा एल लाइन और पी, ठीक है, ये पी लाइन है। फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे भी जाती है, इसको छोड़ो, इसको अभी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा ए है, ठीक है। दूसरा क्या है, पी और क्यू पैरेलल है, तो मतलब कि दूसरा है ये रहा मेरा प्यू, पी ऐसे है, ठीक है। तो ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा एम है, और यहाँ पे ये मेरा एल है, यहाँ से जाएगा तो, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे है मेरा बी, ओके। अब देखिए ये बी के लिए, सपोज ये दोनों पैरेलल है, तो मुझे ये चाहिए, ठीक है। ये मतलब क्या, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये दोनों ये है, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए सपोज ये मेरा ओ है, ओ है, ये मैं ले रही हूँ, ओ एल एम पी क्यू तो है ही, ओ आर और ये एस, ठीक है, ओ आर एस है। तो ये ओ और ये यहाँ पे तो मेरा, ये तो ओ ही है, यहाँ पे ये मेरा आर है, और यहाँ पे ये मेरा एस है, ये ओ, ये आर और यहाँ पे एस, ठीक है। इस तरह से, तो पहले हम ये केस लेंगे, तो मुझे ये मिल जाएगा। सो एंगल ओ आर एस, नहीं भाई इधर भी तो नाम लिखना पड़ेगा, ये टी लिख दो और ये यहाँ पे यू लिख दो। सो एंगल टी ओ आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एल इज़ पैरेलल टू पी एंड पी ओ पी ओ आर इज ट्रांसवर्सल, ओ आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एंगल ओ आर एस इज व्हाट, 45 डिग्री, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 45 डिग्री। मैं जैसे पहले बोलती हूँ, मुझे तो है ना ये फिगर में लिखूंगी ना, तभी मतलब क्लियर रहता है कि हाँ भाई मेरा ये आ गया, ठीक है। फिर अब मुझे बी चाहिए, तो बी के लिए मैं क्या करूँगी, पी पैरेलल क्यू टू क्यू है, और यहाँ पे मेरा ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, आर एम इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये देखिए जो ट्रांसवर्सल है ना, वो एंगल्स में ऐसे आएगा ही आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक है। सो यहाँ पे होगा एंगल ओ पी एम इज इक्वल टू एंगल पी एम यू, ठीक है। अगेन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिखना ज़रूरी है, वरना तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, ओके। सो 45 डिग्री इज इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू वॉट, 45 डिग्री, ये मेरा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12A। इन फिगर 12A लाइन्स एल ई एल एंड एम आर कट बाय ट्रांसवर्सल टी, मतलब एल और एम, ट्रांसवर्सल टी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट। अब देखिए ये उल्टा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पैरेलल लाइंस दी है, उसमें से हम ट्रांसवर्सल फाइंड करते थे। देखिए अभी हम क्या करते थे, अभी तक ये फ्लो था हमारा कि पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इसीलिए हम उसमें से ये ट्रांसवर्सल फाइंड करते थे, और उसमें से हम फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कंप्लीट
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वो करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आप उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है, ठीक है। ये एंगल्स दिए हुए है, ओके, और ये ट्रांसवर्सल दी हुई है, हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला पैरेलल लाइंस। तो ये कैसे प्रूव होगा कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो ये पैरेलल लाइन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। उस तरीके से हमें करना है। सो हमको ये दो दिया हुआ है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले ये भी मेरा क्या आया, 70 डिग्री हुआ, ये भी मेरा 70 डिग्री हुआ। ऑब्वियसली ये दोनों मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है। सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ओके। इसमें भी वही करना है कि पैरेलल है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो, ये जो मेरा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अगर वो इक्वल आ जाए, सेम वे हमारा पहले फ्लो क्या था, पैरेलल लाइंस थी, ओके, दी हुई है। उसके बाद उसमें से हम ट्रांसवर्सल ढूंढते थे, और उसमें से हम क्या करते थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सारे ट्रांसवर्सल के रूल्स हैं एंगल्स के लिए, ठीक है। उसमें सारे ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, सारे इक्वल है, सिर्फ बचा गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इतना तो माइंड में होना ही चाहिए, ओके। चलो, अब मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब ये हो गया मेरा, और 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री तो क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब इट इज हियर, हियर एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस। इसके अंदर क्या है, ये प्रूवडेट वाले सम्स हैं, ठीक है। उसमें स्टेप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एस पी क्यू, ये जो मार्क किया हुआ है, एस पी क्यू इज इक्वल टू एस आर क्यू, शायद ये आपका पहला सम होगा जो आप प्रूवडेट वाला ये करेंगे। सबसे पहले तो करना क्या है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है, उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, बोलिए। यस, मतलब कि ये इसके अंदर क्या होगा कि ट्रांसवर्सल का रूल अप्लाई करो और देखो क्या होता है। चलिए, सो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टू प्रूव क्या है, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन कंडीशन क्या है, डेट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये क्या है मेरा गिवन, ठीक है, दिया हुआ है। एंड पी एस इज वॉट ट्रांसवर्सल, ठीक है, पी एस ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, ओके। तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल लगा दे, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, ठीक है। सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है। अब दूसरा ये है कि दूसरी पैरेलल लाइंस दी हुई है, डेट पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ये भी क्या है, इट इज़ अ गिवन। और उसका ट्रांसवर्सल क्या होगा, एस आर होगा उसका ट्रांसवर्सल, क्योंकि मुझे तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल, ठीक है। एस आर क्यू कहाँ पे आएगा, अगर मैं एस आर, पी क्यू भी ट्रांसवर्सल ही है, पी क्यू भी है, लेकिन मुझे पी क्यू आर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एस आर क्यू चाहिए, ठीक है। सो एस आर इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री,
ठीक है। अब देखा ये दोनों इक्वल है, 180 डिग्री बने, मतलब दिस दिस बोथ इज इक्वल टू दिस बोथ, सो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल पी एस आर। ये कॉमन लाना है, लाओगे तो ही तो कैंसिल होगा और आपको जो प्रूव करना है वो मिलेगा, ठीक है। देखिए ये स्टार्टिंग है ऐसे सम्स का, तो हो सकता है थॉट प्रोसेस डेवलप ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, ठीक है। सो एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, इट्स प्रूव्ड। ओके ओके 14 14 है, इन फिगर 14 एंगल एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दोनों इक्वल है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू बी, प्रूव डेट एल इज पैरेलल टू एन। देखिए सबसे पहले तो ये एक्स और वाई इक्वल है, तो उसका मतलब एम इज पैरेलल टू एन। ए और बी दिया हुआ है इक्वल, इसका मतलब एल इज पैरेलल टू एम, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों, ठीक है। तो अगर m इज पैरेलल टू n है और l इज पैरेलल टू m है, तो ये तो वही सीन हुआ, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, सो a इज इक्वल टू c, ठीक है। चलो हम इसको लिख के करते हैं, कैसे करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो गिवन क्या है, देखो टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव l इज पैरेलल टू n, ठीक है। अब एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, सो एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो एम इज पैरेलल टू एन, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज ऑल्सो गिवन, हैंस एंगल ए एंड एंगल बी आर अगेन वॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो मतलब एल इज पैरेलल टू एम, ओके। नाउ इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन, देन एल इज पैरेलल टू एम, इट्स प्रूव्ड। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।